वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IRFC स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 21.20 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक। 15 पैसे की गिरावट देखने को मिले स्टॉक में, आज 70.70% की गिरावट देखने को मिली है। तो देख सकते कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन थोड़ा साल की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी पिछले 5-6 दिनों में, पर आज फिर से गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि आज ओपन तो हुआ था गैप अप से ऊपर, ओपन होने के बाद ज्यादा समय सेटल नहीं हो पाया और प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट देते गिरावट देखने को मिली थी। तो प्रीवियस क्लोजिंग ने शाम दोपहर के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजिस्टेंस का काम भी करता हुआ नजर आ चुका था। मार्केट कैप देखोगे तो 27.71,000 करोड़ का मार्केट कैप है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC स्टॉक का। पी रेशियो तो बहुत ही बढ़िया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पिछले 5 दिनों में तो देखोगे तो देख सकते कि 24 मूवमेंट देखने को मिली है और आज का वॉल्यूम देखा जाए तो देख सकते 33 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है आज टोटली स्टॉक के अंदर, जबकि अच्छा खासा वॉल्यूम भी है। ट्रेडेड वैल्यू देखोगे तो 715 लाख का है। बाइंग देखा जाए तो एंड ऑफ द डे की जो डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर नजर डाली जाए तो 26,96,000 में से टोटल 15,72,000 क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके थे। टोटल 58% क्वांटिटी जो है ट्रेडर में से डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। चार्ट के ऊपर भी नजर डालोगे तो देख सकते हैं आज बेरिश मूवमेंट देखने को मिले। कैंडल में आज बुल बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई नजर आ चुके। तो रेजिस्टर 1 ने सपोर्ट का काम किया, 21 लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी का सपोर्ट लेके स्टेबल है, पर कल गैप अप गैप डाउन से ओपन होते हैं तो गिरावट होने के चांसेस 21 लेवल को ब्रेक करके नीचे जा सकता है 20.80 तक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट IRFC स्टॉक के लिए।